बाद में बनाने जा रही हूँ ढोकला। ये मेरा एक कप बेसन है, एक कप बेसन है, मैंने एक ही कप में अपना पानी ले लिया। इसे अच्छे से गोलेंगे, एक भी लम्स नहीं बनना चाहिए इसके अंदर। एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नींबू का रस, पानी आप हमेशा संभाल के डालें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि एक कप में अगर हम एक कप पानी डालेंगे तो देख देख के डालेंगे कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बेसन के ऊपर भी बात होती है, बेसन मोटा और पतला होता है। मेरा बेसन बारीक बेसन है, तो मेरा बारीक होता है। यहाँ मैंने अपना गैस चालू कर दिया है, इसमें मैं डालती हूँ पानी, क्योंकि मुझे इसके अंदर आज मैं आपको ओवन में नहीं कढ़ाई में बना के दिखाऊंगी। और यहाँ पर मुझे डालूँगी थोड़ा सा नमक, तकरीबन एक चुटकी। और इसमें मैं अपना बेसन का वो पेस्ट इसमें डालकर कढ़ाई में रखूँगी, इसलिए मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँ तो ये अंदर चिपचिपाए ना और आराम से मेरा निकल जाए। मेरे ढोकले में अच्छा सा कलर आया, उसके लिए मैं यहाँ हल्दी डालूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसके अंदर डालूँगी मैं ये इनो का पूरा पैकेट, मैं इसे बचाऊँगी नहीं, पूरा पैकेट डालूँगी। और इसे मैं हैंड टू हैंड डालते के साथ ही हमें फौरन इसे एकदम अपने ट्रांसफ़र करना है। देखिए इसे डालते साथ ही कैसा रिस्पॉन्स लेता है। मैंने इनमें का सिर्फ पूरा पैकेट डाल दिया, पूरा पैकेट। अब मैं इसे अपने दूसरे बर्तन में डालूँगी, मुझे अपने ढोकला को जो बनाना है तो दूसरे बर्तन में बनाना इस वाले में। मैं इसे अच्छे से जिसमें एक भी लंच में ना पड़े। यहाँ मेरा पानी रेडी है, अब इसके अंदर मैं अपना, आप इसके अंदर डायरेक्ट कभी ना रखें, क्योंकि इसके अंदर कोई नीचे का सामान रख के आप अपना ढोकला तब रखें, वरना तो नीचे की आँच लगेगी। और इसे तुरंत रख दें, हम देखते हैं 5 मिनट बाद। हमारे 4 से 5 मिनट लगे, मेरे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह मेरा ढोकला आधा रेडी हो चुका है। मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए और रखूँगी। मेरे तकरीबन इसको 9 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट पहले और 4 मिनट अब। मैं इसको चेक करूँगी अपना, देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये अंदर तक से पक चुका है। इसमें मैं अपनी फोक डाल रही हूँ, तो मेरा फोक जो कांटे वाला वो है, अपनी छुरी मेरी बिल्कुल साफ़ आ रही है दोनों साइड से, तो यानी कि मेरा ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, ठंडा भी करना है क्योंकि इसे, और मैं इसे आराम से साइड साइड से करके निकाल लेती हूँ। और मेरा ये ठंडा भी हो चुका है, तब तक मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। मैं इसे वापस प्लेट में निकालती हूँ, जिस कढ़ाई में मैंने अपना ढोकला तैयार करा था उसी कढ़ाई में मैं अपना तड़के की तैयारी कर रही हूँ। यह मैं तेल डालूँगी कम से कम 3 चम्मच। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, क्योंकि मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ। आप तेल यूज़ करती तो आप तेल भी डाल सकती हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच राई ली है, 1 चम्मच से भी कम, तकरीबन आधा चम्मच से ज़्यादा, 1 चम्मच से कम। इसमें मैं राई डालूँगी, ये थोड़ी चटक पटक करें तो आप इसे डाल दें। इसमें डालें आप हरी मिर्च, 1 गिलास पानी। बैटर में डालेंगे कम से कम, इसे हमने तड़के में डालेंगे 3 चम्मच चीनी। मैंने बेसन में 1 चम्मच डाली थी, लेकिन मैं अपने तड़के में डालूंगी 3 चम्मच। जितना नमक मैंने अपने बेसन में डाला था उतना ही नमक मैं इसमें डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना ही डालना जितना मैंने बेसन में डाला था। 2 चम्मच नींबू का रस, नींबू का रस यहाँ मैंने पूरा फुल भर भर के 2 चम्मच लिया है, और अपने बैटर में डाला था 1 चम्मच पूरा फुल। और तड़के में डाल रही हूँ 2 चम्मच। ये मैंने अपना निकाल लिया है, माशाल्लाह कितना स्पंजी हो रहा है। मैं इसकी करूँगी अब कटिंग।
मैंने इसकी कटिंग कर ली है और मेरा तड़का भी तैयार होगा माशाल्लाह। हम इसकी तैयार करेंगे और उसका मैं तड़का इसमें डालते हैं। देखना माशाल्लाह कितना अच्छा बना है, कितना स्पंजी बना है। मैं माशाल्लाह इसे अच्छे से चारों तरफ कवर कर दूंगी क्योंकि ये पानी बहुत पीता। माशाल्लाह मेरा ढोकला रेडी हो गया है। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। माशाल्लाह मेरा ढोकला रेडी हो चुका है, मैंने इसे निकाल दिया है। आप सभी इसके चेक करें और बताएं कैसा बना है माशाल्लाह। और अच्छा लगे तो लाइक करना।